या ओके नाउ वी स्टार्ट इमेज फॉर्मेशन इन द आई। बेसिकली इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा अपनी बेसिक आई में, कि इन द ह्यूमन आई द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द इमेजिंग रीजन। इमेजिंग रीजन क्या था आपके पास में, जो अपन ने बात की थी कि आपका एंगल कुछ भी हो आपके पास में, आपका इमेज कहाँ पे आपकी विजिबल हो रही थी वो क्या था, आपका रेटिना था। इज फिक्स्ड एंड द फोकल लेंथ नीडेड टू अचीव प्रॉपर फोकस इज ऑब्टेंड बाय द वेयरिंग द शेप ऑफ लेंस। बेसिकली किसकी शेप आपकी चेंज होती है आपके पास में। अगर मैं इमेज फॉर्मेशन की बात करता हूँ तो अपने पास में इमेज का जो फॉर्मेशन होता है तो उसके लिए आपकी जो आई की क्या होता है, लेंस की जो साइज है वो क्या होती है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द लेंस एंड द रेटिना अलॉन्ग द विजुअल एक्सिस इज अप्रोक्सीमेटली 17 mm। आपके पास में पर्टिकुलर आपकी जो डिस्टेंस आपके सेंटर और जो लेंस है और आपकी रेटिना का सेंटर है उसके बीच में जो डिस्टेंस है बेसिकली वो कितना है, 17 mm है। द रेंज ऑफ द फोकल लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 14 टू, जो रेंज है आपकी किसकी आपके पास में, जो फोकल लेंथ की आपकी रेंज है वो कितनी आपकी 14 to 17 mm। द लेटर टेकिंग प्लेस वेन द आई इज रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड एट डिस्टेंसेज ग्रेटर देन अबाउट 3 मीटर। जब भी आपकी आई अगर 3 या 3 से ज्यादा की दूरी पे कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ उस पे जब फोकस करती है तो उसके आपकी जो लेंथ होती है पर्टिकुलर अप्रोक्सीमेटली जो आपकी लेंथ है फोकल लेंथ है वो क्या होती है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। वो 14 to 17 mm तक क्या हो सकती है आपकी इंक्रीज या डिक्रीज होती है बेसिकली। तो ये इसका एक अप्रोक्सीमेट लेंथ क्या हो गई आपकी, वो हो गई आपकी 17 mm। अब सिंपल अपन ने जो अभी तक बात की थी अपने पास में कि अपने पास में क्या हो रहा है, अगर एग्जांपल की बात करते हैं तो क्या हो रहा है, एक अपने पास में कितने एक आपके पास में कोई भी ट्री है वो क्या है आपके पास में, सपोज द पर्सन इज लुकिंग ए ट्री 15 मीटर हाई एट डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। आपके पास में ये कोई भी ट्री है इसकी आपकी हाइट कितनी है आपके पास में, वो आपकी 15 मीटर है इस पर्टिकुलर ट्री की हाइट। और आपके पास में जो ये ट्री और आपके पास में ह्यूमन आई के बीच की जो क्या एक डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी, वो आपकी 100 मीटर्स है। तो पर्टिकुलर पहले बात करते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट होता है पर्टिकुलर ह्यूमन आई में, आपके पास में जो भी आपके पास में जो नर्व ऑप्टिकल सिस्टम के थ्रू ब्रोन आपका जो ब्रेन है वो ऑब्जर्व करता है, आपकी रेटिना पे जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रिफ्लेक्ट होता है आपके पास में वो कैसा होता है आपका, इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट होता है हमेशा, कि पर्टिकुलर ये ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मेरे पास में क्या शो होगी जो पर्टिकुलर, अगर इसने क्या किया यहाँ पे ये 1 और 2 इसने क्या कर दिया, पर्टिकुलर कोई भी एक कोऑर्डिनेट इसने डिफाइन किए कि ये इसका फर्स्ट पार्ट है ये इसका सेकंड पार्ट है, किसी का भी ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या है ये बॉटम है ये क्या इसका टॉप है। बट जब आपकी रेटिना पे इमेज रिफ्लेक्ट होती है तो वो कैसी होती है, इन्वर्ट ट्रेड होती है। आपके पास में 3 और 4 कहां पे आ गए आपकी रेटिना पे, अपर साइड में, एंड 1 और 2 कहां पे आ गए आपके पास में रेटिना पे, लोअर साइड में। तो जब भी आपके पास में रेटिना पे कोई भी इमेज आपका विजुलाइज होती है तो वो कैसी होती है आपके पास में, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है उसकी इन्वर्टेड इमेज क्या होती है आपके पास में रिफ्लेक्ट होती है आपकी रेटिना पे। अब बात करते हैं कि पर्टिकुलर आपके पास में, मैंने अभी एक आपको जो एग्जांपल दिया है पर्टिकुलर क्या है, एक आपके पास में कोई भी ट्री है उसकी जो साइज है ट्री का जो लेंथ है पर्टिकुलर ट्री का वो आपकी 15 मीटर है, और उसके अलावा जो उसकी पर्टिकुलर ह्यूमन आई जो कोई विजिबल कर रहा है इसको उसके लेंथ और पर्टिकुलर आपके पास में ट्री की लेंथ के भी जो बीच की डिस्टेंस है बिटवीन डिस्टेंस है वो कितनी आपकी 100 मीटर्स है। तो पर्टिकुलर कोई भी आपके पास में ह्यूमन अगर आई उसको विजुअलाइज करती है पर्टिकुलर किसको आपके पास में, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो जो ह्यूमन आई की रेटिना पे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का एक क्या होगा, एक विजिबल ऑब्जेक्ट जो उसका एक इमेज क्रिएट होगी उसकी साइज क्या होगी, पर्टिकुलर इमेज की साइज क्या होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड कर रहा है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की साइज क्या है और आपके डिस्टेंस क्या है आपके पास में, जो ऑब्जेक्ट आपका प्लेस है और आपका ह्यूमन आई जिस प्लेस से आपको क्या कर रहा है, जिस पोजीशन से विजिबल कर रहा है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, और उन दोनों आपके पास में जो भी डिस्टेंसेज हैं या फिर आपकी जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है उस पर डिपेंड करती है कि जो आपकी ह्यूमन आई जो विजुअल करेगी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का उसकी साइज क्या होगी, किसमें आपकी रेटिना पे। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है ये क्या है आपके पास में, ये सी आपका क्या है एक सेंटर है, ये सेंटर क्या है आपका एक फोकल पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, ये आपका जो फोकल पॉइंट है पर्टिकुलर इस पे क्या होगा पर्टिकुलर कि जो एच है अपने पास में एक फॉर्मूला है कि क्या आपका पास में पर्टिकुलर अपने पास में क्या है, अपने बात की है कि आपके पास में आपकी जो साइज होती है वो कितनी है, एक आपकी क्या है इसमें 15 है, 15 क्या है आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका क्या है आपके पास में हाइट उसकी 15 है,
डिवाइड बाई 100 इक्वल टू एच बाई 17। आपके पास में एच क्या है, आपको एच डिनोट कर रहा है कि पर्टिकुलर जो हाइट होगी, जो अपने रेटिना आपकी इमेज की हाइट होगी वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए अपने पास में जो आपके पास में पर्टिकुलर सेंटर से लेके रेटिना के बिटवीन की आपकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है आपकी, 17 mm है आपकी अप्रोक्सीमेटली, जो अपन ने पहले बात की है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे ही अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो आपके पास में जो एक आउटपुट होगा वो क्या होगा आपके पास में, एज इज इक्वल टू 2.55। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, एज इक्वल टू करेंगे तो 255 डिवाइड बाई 100 2.5 mm आपकी क्या हो गई, आपके पास में जो पर्टिकुलर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो रेटिना पे उसकी इमेज की साइज होगी वो कितनी साइज होगी आपके पास में, 2.5 mm की इमेज आपकी कहाँ पे होगी, रेटिना पे होगी। बट इसके बाद का जो वर्क है, जो एनालिसिस करता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के बाद में, जो एक आपको ऑब्जेक्ट की साइज वगैरह के आपके सामने डिफाइन होगी वो कहाँ पे होती है, आपकी पर्टिकुलर ब्रेन में होती है। इसीलिए जो बेसिक कंपोनेंट्स थे वो कौन से थे, आपके आई एंड द ब्रेन, आपके पर्टिकुलर किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए बेसिक कंपोनेंट।